दोस्तों जो रिएजेंट यूज होता है वो है K2Cr2O7। इसको यूज़ करने से पहले हमें ड्राइड करना होता है 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 घंटे के लिए। देन इसके साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 और HgSO4 मिलाया जाता है, तो इस वाले सॉल्वेंट को हम बोलते हैं डाइजेशन सॉल्यूशन। ये जो रिएजेंट तैयार हुआ K2Cr2O7 विच इज़ प्रीवियसली ड्राइड एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड and it is mixed with H2SO4 and HgSO4. This solution is known as digestion solution. It is used for the digestion of the sample. Now the sulfuric acid reagent, it is made up of H2SO4 plus silver sulfate Ag2SO4. ये use होता है acceleration of the oxidation of स्ट्रेट चेंज एलिफेटिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड। जब एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं या एलिफेटिक कंपाउंड आपके वेस्ट में हों तो हमें सल्फ्यूरिक एसिड रिएजेंट यूज करते हैं जो कि सिल्वर सल्फेट के साथ मिला के बनाया जाता है। ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है। दोस्तों इसके बाद जब ये डाइजेशन की प्रोसेस पूरी हो जाती है, PPT जनरेट हो जाता है, तो हम एक्सेस जो डाइक्रोमेट है उसका टाइट्रेशन करते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट के द्वारा। तो इसमें एक इंडिकेटर की जरूरत पड़ती है जिसको हम बोलते हैं फेरोन इंडिकेटर। फेरोन इंडिकेटर COD में क्यों जरूरत है? ड्यूरिंग द टाइट्रेशन ऑफ एक्सेस डाइक्रोमेट विद द हेल्प ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट, सो देयर इज अ नीड ऑफ इंडिकेटर। दिस इंडिकेटर इज नोन एज फेरोन इंडिकेटर। फेरोन इंडिकेटर चेंजेस द ब्लू ग्रीन कलर इनटू द रेडिश ब्राउन कलर। जब आपका डाइक्रोमेट प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, पूरी तरह से ऑक्सीडेशन हो जाता है जो भी ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है वेस्ट वाटर में, उसके बाद जो एक्सेस डाइक्रोमेट बचता है उसका हम फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ टाइट्रेशन करते हैं। तो जब वो क्रोमेट के एक्सेस क्रोमेट रहता है वो ब्लू ग्रीन कलर का होता है। जैसे ही हम उसमें फेरोन इंडिकेटर डालते हैं तो ये उसको रेडिश ब्राउन कर देता है, और ये रेडिश ब्राउन कलर फिर से जब ब्लू ग्रीन होता है तो इस वो वाली रीडिंग हम नोट करके कितना फेरस अमोनियम सल्फेट यूज हुआ उसका हम कैलकुलेशन फर्दर करते हैं फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ COD। नाउ हम अब इसका COD का फॉर्मूला देखते हैं, किस फॉर्मूले से COD निकाली जाती है। तो COD सबसे पहले इसकी यूनिट है mg ऑफ O2 इन पर लीटर। CO2 को निकाला जाता है मिलीग्राम ऑफ O2 इन पर लीटर जितनी कंज्यूम हो रही है। तो इसका फॉर्मूला है A-B इंटू m इंटू 800 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सैंपल। A का मीनिंग होगा वॉल्यूम ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट फॉर द ब्लैंक। हम साथ में एक ब्लैंक भी लेके चलते हैं जिसमें हमने केवल डिस्टिल वाटर यूज़ किया है, कोई भी उसमें पोल्यूटेंट नहीं है, तो ऐसे सैंपल को हम बोलेंगे ब्लैंक सैंपल। इसके बाद जो बी है वो है वॉल्यूम ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट, वॉल्यूम ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट फॉर सैंपल। ये दोनों ml में रीडिंग आएंगी हमारी। m फॉर मोलरिटी ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट, जितना मोलर हमने फेरस अमोनियम सल्फेट लिया उसकी मोलरिटी लिखेंगे, और 8000 इज इक्वल टू मिलीक्वेंट वेट ऑफ O। तो O का हमें पता है कि वेट क्या होता है, 8 होता है। अब 1000 ml हमारा सैंपल है तो क्या हो जाएगा, ये 8000 इसकी वैल्यू हो जाती है। और नीचे हम वॉल्यूम ऑफ सैंपल जो हमारे सैंपल वैल्यू लिया था इसको डालेंगे इस फॉर्मूले में। हम टाइट्रेशन के बाद वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी COD की वैल्यू आ जाती है। अब क्या होता है कि इसमें कुछ कुछ COD परफॉर्म करने के दौरान कुछ कुछ दिक्कतें आती हैं, कुछ कुछ इंटरफेरेंस पैदा होते हैं, तो उसको भी हम देखते हैं। सपोज जैसे मैंने बताया कि जो स्ट्रेट चेन एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं वो ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें क्या ज़रूरत होता है, सिल्वर सल्फेट। सिल्वर सल्फेट वो H2SO4 के साथ हम एक H2SO4 रिएजेंट बनाते हैं जो कि स्ट्रेट चेन एलिफेटिक कंपाउंड्स और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करता है, उनकी ऑक्सीडेशन को एक्सेलरेट करता है। सो एक क्वेश्चन आता है, सिल्वर सल्फेट कैटलिस्ट इज यूज्ड
in during the COD for what purpose? So we have to know that it is used for straight chain aliphatic compounds, oxidation of straight chain aliphatic compounds. Now second दिक्कत जो आती है वो है द मोस्ट कॉमन इंटरफेरेंस इज क्लोराइड आयन. क्लोराइड आयन रिएक्ट विद सिल्वर आयन टू प्रिसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड एंड दस इनहिबिट द कैटालिक एक्टिविटी ऑफ सिल्वर सल्फेट. अगर हम सिल्वर सल्फेट यूज कर रहे हैं और हमारे सैंपल में अगर क्लोराइड आयन की इम्प्यूरिटी है या क्लोराइड आयन है तो वो क्या करेगा, वो रिएक्ट करेगा सिल्वर आयन से और सिल्वर क्लोराइड का प्रिसिपिटेट बना लेगा, जिससे कि जो सिल्वर सल्फेट है उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी और हमारी प्रोसेस अच्छे से नहीं हो पाएगी. सो दिस इज वन ऑफ द इंटरफेरेंस विच अकर्ड ड्यूरिंग द सीओडी एक्सपेरिमेंट्स. अनदर इंटरफेरेंस इज ब्रोमाइड आयोडीन. दीज आर ऑल्सो इंटरफेयर सिमिलरली लाइक क्लोरीन. सो दीज आर द इंटरफेरेंस विच प्रेजेंट ड्यूरिंग द सीओडी प्रोसेस. सो सीओडी के लिए इतना जो मैंने बताया है ये काफ़ी है. इसके अलावा भी आप और भी बुकों से पढ़ सकते हैं और इससे रिलेटेड एमसीक्यू जो पिछले पेपर में आए वो सॉल्व कीजिए. मैं भी एक इसका एमसीक्यू से रिलेटेड वीडियो डालूंगा. तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में लिखें और जो आपको टॉपिक चाहिए हो वो वीडियो भी बनाने के लिए लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि मैं ऐसे ही वीडियो डालता रहूँ. सो थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम.